हाय फ्रेंड्स, आईक्यूब डिजाइन स्टूडियो की एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं एक ऑटोमेटिक विक कटिंग मशीन लेकर। लेनोर की एक प्रोडक्ट है ये। दीपक जलाने के लिए हम विक यूज़ करते हैं, ये विक काटने के लिए हम इस मशीन यूज़ करते हैं। यही है लेनोर की ऑटोमेटिक विक कटिंग मशीन। इसमें मेनली दो पार्ट्स है, एक कटिंग पार्ट और एक कन्वेयर पार्ट। कटिंग पार्ट में विक कट होता है और इसी से फीड करते हैं और कन्वेयर से जाते हैं। कन्वेयर यूज़ किया है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दो लोग आपस बैठकर रबर बैंड डालकर कनेक्शन ट्रे पर डाल सकते हैं। अब हम इसके वर्किंग देखते हैं। ये है इस मशीन का पैनल। इस पैनल का इस्तेमाल करके ये पूरा मशीन वर्क करते हैं। इस पैनल का यूज़ करके लेंथ एडजस्ट कर सकता है, नंबर ऑफ कट्स और स्पीड भी कंट्रोल कर सकता है। अब पावर ऑन हो चुका है, पहले हमको फीड देना है। यही है इसका फीडर या इनलेट। ये प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करने के लिए दो फीड दिया है। एक ही समय में दो इनलेट दिया है तो प्रोडक्शन रेट डबल होता है। इस मशीन का एवरेज प्रोडक्शन रेट 3000 to 4000 कट्स पर आवर है। तो हम विक फीड करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये 12 स्ट्रैंड का एक कॉटन थ्रेड है। ये इनलेट का डायमीटर 40 mm है। हम पैनल सेट करते हैं। रोप कटिंग मशीन अभी ऑन है। पहले हम नेक्स्ट दबाते हैं और उसके बाद आते हैं कटिंग लेंथ। हम 80 डालते हैं कटिंग लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट दबाना है और आता है क्वांटिटी। हम 100 देते हैं। ये है हमने दिया हुआ क्वांटिटी 80 × 100। वैल्यू सेट करने के बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही थ्रेड ऑटोमेटिकली इस रोलर से फीड होता है और जैसे आप देख सकते हैं ब्लेड थ्रेड को कट करके कन्वेयर पर डालते हैं और कन्वेयर से बाहर आ जाता है। ये लेंथ है 80 mm या 80 cm। कोई भी विक आप ले लो, सारे की सारे एक ही लेंथ आते हैं। इस कन्वेयर की यूज़ ये है कि बड़े बड़े कंपनियों में इसको आप दोनों साइड बैठकर रबर बैंड डाल सकता है और सीधा कलेक्शन ट्रे पर आते हैं। कोई भी क्वांटिटीज हम दे सकते हैं और ऐसे ही विक कट करके इस कलेक्शन ट्रे पर पहुंच जाता है। इस मशीन का एक और फीचर है इसका ब्लेड। हम HC HCR ब्लेड यूज़ किया है। हर एक कट के बाद इस ब्लेड का शार्पनेस बढ़ता जाता है। दूसरे मशीन्स में नॉर्मल ब्लेड्स यूज़ करने के कारण एक ही कट में ब्लेड का शार्पनेस कम हो जाता है, लेकिन हमारे मशीन के ब्लेड शेयरिंग इफेक्ट के कारण शार्पनेस और बढ़ता है। इस मशीन का एक और खूबी यह है कि हम छोटे थिकनेस वाली थ्रेड जो सिर्फ 1 mm या 0.5 mm है, वो भी हम इस रबर रोलर के बदले में दूसरे रोलर डालते हैं तो कट कर सकता है। अब हम ये 12 स्ट्रैंड के थ्रेड निकाल कर एक 44 स्ट्रैंड आने वाला थ्रेड कट करके देखते हैं। तो ये पोज करते हैं। तो यही है 44 स्ट्रैंड का थ्रेड। चलिए ये कट करके देखते हैं। ये लीवर का इस्तेमाल करके ये लिफ्ट कर सकता है और ये थ्रेड डालते हैं। इसमें दो फीडर है, आप कोई भी फीडर यूज़ कर सकता है। पहले हम सारे काउंट और लेंथ डाला था, सिर्फ पॉज दबाया था। अब हम प्ले बटन दबाते हैं। आप देख सकते हैं ये थ्रेड भी कट जाता है। जैसे पहले बोला था, आप कोई भी विक ले लो तो 80 cm ही आता होगा। इसमें 44 स्ट्रैंड आता है एक कटिंग में, आप छोटा या बड़ा कर सकता है। तो आज हम लेनोर की एक ऑटोमेटिक विक कटिंग मशीन देखा है। इस मशीन को लेकर कोई भी इंक्वायरीज या डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकता है या कमेंट बॉक्स पर कमेंट डाल सकता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।